पढ़ना है। तो आज के सेशन में हमें देखना है यहाँ पे कंसेप्ट अपना बूटस्ट्रैप का, ठीक है। इनिशियल लेवल पर अगर अपन बात करें तो लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने बूटस्ट्रैप का एक कंसेप्ट देखा था, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बेसिक इंस्टॉलेशन बताया था कि बूटस्ट्रैप को आप कैसे क्या इंस्टॉल करेंगे, है ना। इंस्टॉल करने के बाद में आपको कैसे फोल्डर्स मिलते हैं, कौन कौन से फोल्डर्स मिलते हैं, है ना। मुझे तो जो बूटस्ट्रैप डिस्ट 3.3.7 नाम का जो फोल्डर आपने डाउनलोड किया था, है ना, मतलब बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया था तो ये फोल्डर डाउनलोड हुआ था और उसके अंदर आपके पास में तीन सब फोल्डर्स थे, CSS, fonts और JS का, राइट। फिर हमने देखा था कि उनके अंदर जो फाइल्स है आपके पास में तो वो फाइल्स कैसी है ना, और कौन सी फाइल हमारे काम की है और उसके अंदर क्या लिखा है और कैसे लिखा है। और इसी के साथ में आपने ये भी देखा था कि jQuery की भी एक पेरेंट लाइब्रेरी है ना, आपने आपने क्या करके डाउनलोड करके आपके JS नाम के फोल्डर के अंदर आपने सेट करी थी। अब अगर अपन बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपका प्रोजेक्ट का या फिर आपका जो एग्जांपल है उसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसके अंदर यहाँ पर आपके पास में CSS, फॉन्ट और JS करके तीन फोल्डर से, इसके अंदर अपने आप में कुछ फाइल्स आपको यहाँ पर क्या करके रखी हुई है, देकर रखी हुई है, राइट। अब अगर अपन बात करें हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें अब यहाँ पर अपने एग्जाम्पल स्ट्रीम करना है और उन एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर जो फाइल देकर रखी हुई है, जो स्क्रिप्ट देकर रखी हुई है, उसको लिंक करके अपने एग्जाम्पल को फ्रेम करना है, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एग्जांपल 1.html। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि भले ही आप बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी एक्सटेंशन तो आपके पेज का क्या .html ही चल रहा है। इससे आपको एक चीज ये क्लियर हुई होगी कि आपको HTML पढ़ना बेहद जरूरी है ना, क्योंकि बेसिक में तो HTML है, उसके ऊपर ही आप CSS लगा सकते हैं और उसके ऊपर ही आपका बूटस्ट्रैप लगेगा, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एग्जाम्पल .html, राइट। अपना आते हैं अब यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसे हाइड कर देता हूँ और यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने एक्सक्लेमेटर मार्क लगाकर ऐसा लिखा, राइट। तो ये तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है। अब इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको करना क्या है, तो अब यहाँ पर जो फोल्डर्स आपने डाउनलोड करे है उसके अंदर जो फाइल्स है उसको आपको यहाँ पे लिंक करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट, तो ये आपके पास में यहाँ पर वो JS नाम का जो एक फोल्डर था उसके अंदर की जो फाइल्स है वो स्क्रिप्टिंग फाइल्स कहलाती है। तो उसको अगर आपको यहाँ पर ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखा। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपन क्या लिखेंगे, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आता है एक एट्रीब्यूट और वो है आपका src। अब इस src के अंदर आप क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट के लिए कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में CSS, फॉन्ट, JS और ये ऐसे कुछ हिंट में आपको फाइल्स मिली। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे JS, JS के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, bootstrap.js, min.js और ये सारी चीजें। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस भी मैटर करता है, तो सबसे पहले आप jQuery वाली फाइल यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर से मैंने लिखा यहाँ पर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में मैंने लिखा यहाँ पर src के अंदर मैं करूंगा क्या, तो here I'm going to write JS और JS के अंदर अपन क्या करेंगे, bootstrap.min.js। ये दो फाइल आपने यहाँ पे क्या कर दी है, ऐड कर दी है। अब उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, एक लिंक ऐड करना रहेगी। अब लिंक के केस में आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में रिलेशन स्टाइल शीट आ गया है और उसके बाद में जो href दे के रखा है कंट्रोल स्पेस बार करके आप लिखेंगे css और css के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन लिखेंगे सिंपली bootstrap.min.css। आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में css bootstrap.min.css, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें कि अब ये तो मैंने चलो ठीक है यहाँ पर ऐड कर दिया, अब इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि अब आप यहाँ पे जो भी क्लासेस वगैरह लगाने वाले हैं तो उसका जो डेफिनेशन पार्ट है वो सब आपको किसके अंदर मिलेगा, इनके अंदर मिलेगा, है ना। मतलब डेफिनेशन पार्ट बोल दो या फिर जो इसका जो स्कोप है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज आपको इन फाइल्स के थ्रू, इन लिंक्स के थ्रू आपको मिलेंगी और वो यहाँ पे सपोर्ट करेगी और सपोर्ट करने के साथ में जो भी उसके जो इफेक्ट्स है ना, वो आपको आपके ब्राउजर स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कि div। अब div के अंदर मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो here I'm going to write h1 and inside h1 I'm going to write here welcome bootstrap, right। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है और पैराग्राफ में मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर lorem और मैंने लिख दिया यहाँ पर 50, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन इसे रन करते हैं कंट्रोल प्लस F5 और वेब ऐप। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको आउटपुट मिलेगा वो किस अकॉर्डिंग मिलेगा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है ना, वेलकम बूटस्ट्रैप और वो पैराग्राफ, राइट। थोड़ा सा इसको और इफिशियंटली समझने के लिए अपन करेंगे क्या, तो इफिशियंटली समझने के लिए मैं यहाँ पर डेव पर आया। हियर आई एम गोइंग टू राइट स्टाइल और इनसाइड स्टाइल आई एम गोइंग टू गिव अ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर एंड हियर आई एम गोइंग टू गिव डॉडजर ब्लू, ठीक है। और कलर की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या व्हाइट। आप देखेंगे ऐसा कुछ दिख रहा है,
यहाँ तक। अब अगर मैं बात करें कि आपको ऐसा दिख रहा है तो आप देखो इसमें नोटिस करो कि उधर वेलकम बूट स्टेप भी एकदम कितना ज्यादा एकदम कॉर्नर से अटैच दिख रहा है ना। नीचे भी ये जो लाइन दिख रही है वो भी एकदम जो ब्लू कलर की जो बॉर्डर है नीचे है ना, मतलब जो लिमिट है उसकी डेप की, तो उससे वो जो कंटेंट है वो कितना एकदम पास पास आपको दिख रहा है ना। अभी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है ना। अब अगर मैं बात करें अब करना क्या है तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आया क्लास पे है ना, मतलब अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बूटस्ट्रैप के केस में आपको किसका यूज करना रहता है, क्लासेस का यूज करना रहता है। आप यहाँ पे क्लासेस का कंसेप्ट यूज करके अपने टास्क को अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे। तो अब मैं क्लास पर आया और क्लास पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है एफ एल यू आई डी कंटेनर फ्लूइड, मैंने क्या लिखा यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड राइट, मैंने इसे सेव किया। अब आप ध्यान से देखना मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया कुछ डिफरेंस समझ में आया, आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑटोमेटिकली वो ऊपर टॉप से अटैच हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑटोमेटिकली इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड हो गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि वो देखो वेलकम भी थोड़ा सा और लॉरेम भी थोड़ा सा और ये बॉटम से भी थोड़ा सा क्या हो चुका है यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, क्लियर है क्या। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा तो ध्यान से देखना मैंने सेम टू सेम इस पूरे डेप को क्या किया, यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो बैकग्राउंड कलर डॉटजर ब्लू था आई एम गोइंग टू गिव क्रिम्सन राइट, और मैंने यहाँ पे क्या करा है कंटेनर फ्लूइड के प्लेस पे मैंने मेंशन कर दिया है कंटेनर, ठीक है। अपन आते हैं अब यहाँ पे, अब जैसे कि आपको पता होगा कि आपने जो CSS में पेज डिजाइन किया था तो उसमें आपको अगर उसको थोड़ा सा सेंटर में लेकर आना था, आपने देखा था ना दो वर्टिकल स्ट्रिप आपने वहाँ पे छोड़ी थी है ना, थोड़ी सी गैप आ रही थी आपके पेज में है ना, तो उसके लिए आपने करा क्या था, आपने उसकी विड्थ को सेट किया 95% है ना, फिर उसके मार्जिन को ऑटो करा हॉरिजॉन्टल सेंटर में लेकर आए और बाकी की फंक्शनलिटी आपने उसमें परफॉर्म करी। अब मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने सेम वही फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए बस उसके ऊपर एक क्लास लगा दी और क्लास का नाम क्या लिख दिया मैंने कंटेनर। मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो हॉरिजॉन्टल सेंटर में होते हुए है ना अपने स्टाइलिंग के साथ में यहाँ पे जाके क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ किससे, जो आपने क्लास कंटेनर लिखी है उससे। क्लियर है क्या यहाँ तक, तो ये फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना है ना, इसमें अपन ने करा कुछ नहीं है, देखो अभी तक जो आप करते आ रहे थे आपने वही करा है ना, बस जो नया था वो ये था कि आपने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया, तीन फाइल्स को आपने ऐड किया और उसके बाद में बस आपने ये क्लासेस लगाना यहाँ पे चालू किया है। डिव बनाना आपको आता है, HTML में आपने बनाया है, स्टाइल लिखकर इनलाइन CSS आपको लगाना आती है, आपने CSS में लगाई थी है ना। अभी जो नया करा है सिर्फ वो कंटेनर फ्लूइड क्लास लगाई है और सेकंड वाले में सिर्फ क्लास कंटेनर लगाई है। वापस से देखना, अब मैं करके आ रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो आपने ये जो डिव बनाया है मैंने इस डिव को क्या किया है यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब देखो मैं इसके अंदर ही बना रहा हूँ है ना, ये जो डिव दे के रखा हुआ है इस डिव के अंदर ही बना रहा हूँ मैं है ना, मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो आपने फिर से इसको कॉपी किया और आपने फिर से इसको क्या इसी के अंदर क्या करा है पेस्ट किया, मतलब वो जो रेड कलर का जो क्रिम्सन कलर का जो डिव था उसके अंदर मैंने दो डिव बनाए, एक में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कंटेनर और इसमें कंटेनर लिखा है और इसमें मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ कंटेनर फ्लूइड। बैकग्राउंड कलर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर DARK ग्रीन और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टील, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब इसमें देखो हो क्या है, तो ये तो आपको भी पता है कि वो जो आपने डेव बनाया था, तो डेव बनाने के साथ में है ना आपको उसके अंदर जब आपने क्लास लगाई थी तो आपको पैडिंग मिल रही थी, तो सिमिलरली ये जो क्रिम्सन कलर का जो आपने डिव बनाया है तो उसके अंदर भी तो पैडिंग मिलेगी सही ना, आप जो भी कंटेंट लिखेंगे तो पैडिंग रहेगी, तो पैडिंग इधर से भी आ रही है, पैडिंग इधर से भी आपको देखने को मिल रही है। अब इसमें आपने क्या लिखा था, सबसे पहले आपने लिखा है कंटेनर, तो कंटेनर के केस में देखो कंटेनर आ तो गया लेकिन वो बाहर निकल रहा है और कंटेनर फ्लूइड जो था वो पूरा एरिया कवर अप कर रहा है। तो कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, तो कंटेनर फ्लूइड मतलब जितनी आपकी डिवाइस होती है ना उसकी जितनी विड्थ होती है वो पूरी विड्थ को कवर अप करता है। तो यहाँ पे ये जो डार्क ग्रीन कलर का जो आपका डेप्थ था, तो इसके लिए उसका कंटेनर कौन हुआ, मतलब उसके लिए उसकी जो बॉडी हुई वो कौन सी हुई, वो क्रिम्सन कलर वाला डेप हुआ, तो उसने उसकी पूरी विड्थ को कवर अप कर लिया। वो बात अलग है कि उसमें पैडिंग आएगी तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगी, बट उसने एरिया तो पूरा कवर अप कर लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो ऊपर वाला देख रखा है टील कलर वाला है ना, इस केस में कंटेनर ऐसा सेंटर में क्यों नहीं दिखा, ये पूरा का पूरा आ भी रहा है और ये ऐसे बाहर क्यों निकल रहा है, तो
आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर इसका जो इसकी जो मैनेजेबिलिटी रहती है ना, वो थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट के ऊपर रहती है। अब ये ब्रेक पॉइंट क्या होता है? तो ब्रेक पॉइंट मतलब वो पॉइंट होता है जहां से आपके एलिमेंट ब्रेक होना या चेंजेस शो करना स्टार्ट करते हैं। कब? जब आपके डिवाइस की विड्थ कम होती है तब। अगर सिंपल टर्म्स में अगर देखिए तो ब्रेक पॉइंट मतलब क्या? ब्रेक होने का वाला पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां से चीजें ब्रेक होना स्टार्ट हो। कि अब फॉर एग्जांपल आप ऐसा देखेंगे कि जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरा डिव है, जितना दिख रहा है उतना तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं विड्थ को कम करूंगा तो एक पॉइंट पर आने के बाद में वो डिव अपने आप में चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा। या तो वो डिव नीचे शिफ्ट हो जाएगा, या वो श्रिंक हो जाएगा, या फिर वो बाहर निकलने लगेगा। तो जिस पॉइंट पर उसमें चेंजेस दिखे वो कहलाता है उसका ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ पर वो जो कंटेनर है वो ब्रेक पॉइंट पे काम करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर सेंटर में नहीं आ रहा है और वो पूरा ही वैसा यहाँ पे जाके सेट हो रहा है। अब आप देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे पूरा प्रॉपर करना चाहता हूँ तो मैं करूंगा क्या? तो मैं यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है? रो। रो करके क्या होती है? एक क्लास होती है। तो मैंने यहाँ पे भी क्या लगा ली है? रो, राइट। अब ये रो करके मैंने क्लास लगाई, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे रिफ्रेश किया। आप देखो ये हो गया ना सेट। अब अगर ये सेट हो गया तो वो भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, और ये इधर से भी सेट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर अपन इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए मैंने इसकी विड्थ कम करी। अब आप देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ तो देखो ये अभी तो वो मैनेज हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होगा कि अब देखो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अगर आप और इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो अपन एक काम करते हैं, मैंने इस लिंक को कॉपी किया और मैं इसे फायरफॉक्स में आपको एक बार ओपन कर बताता हूँ। और फायरफॉक्स में अपन वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड पर वहां जाकर भी अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। आप देखेंगे मैं यहाँ पर आया हमबर्गर आइकन पे, मोर टूल्स, रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे अब आप इसकी विड्थ को कम करें यहाँ पे, है ना? विड्थ अगर मैं कम कर रहा हूँ तो ये उस विड्थ के अकॉर्डिंगली क्या होगा यहाँ पर? सेट होगा, है ना? मतलब उसके अंदर का कंटेंट वैसे सेट होगा। तो आप देखें यहाँ पर अब जैसे जिस पॉइंट पर उस पे चेंजेस दिख रहे हैं ना, कि वो अंदर होने के बाद में वो श्रिंक हो रहा है ना, तो वो उसका कहलाता है ब्रेक पॉइंट, है ना? अब देखो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, अब वो वैसा सेट नहीं हो रहा, अब वो वैसा सिर्फ विड्थ ही कम कर रहा है अपनी। तो आप देखो यहाँ पर ये आपकी विड्थ कम हो रही है और ये कंटेंट आपका ऐसा अपने आप अलाइन हो रहा है। देखो यहाँ पर आने के बाद में अब आप अगर रिस्पॉन्सिवनेस पे जाते हैं तो एक लिमिट होती है हर चीज की, है ना? कि उस लिमिट तक ही अगर आप चीजें करेंगे तो वो प्रॉपरली काम करेगी। अगर आप सोचे कि एकदम ही इसकी विड्थ कम कर दो और वो एक लाइन में पूरा सब कुछ रिस्पॉन्सिव दिखे तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए इतनी विड्थ करने के बाद में जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया और वो अपने आप ही एक ही नीचे एक आ रहा है। इसके पहले आपने जो पेज बनाया था उसमें आपने देखा था ना कि विड्थ कम करने पर होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस कैसे एक दूसरे के ऊपर आ गया था, लेकिन यहाँ पर आया है क्या? यहाँ पर नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? सभी को क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं, है ना? तो अभी आपने यहाँ पे जो एग्जांपल देखा है उसमें आपने करा क्या है, आपने बस यहाँ पे सिंपली डिव बनाया, डिव के अंदर आपने क्लास लिखी और क्लास में भी आपने अभी सिर्फ तीन क्लासेस पढ़ी है, कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर और रो। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन डिपेंड करेगा आप लगाना कहाँ चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने आइकन यूज किया है तो आइकन का, आइकन में रो का तो कोई यूज ही नहीं है ना? उस केस में वो देखना रहेगा कि अगर आप लगाते हो तो वो वर्क करेगा या चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं, बट डिपेंड करेगा जहां पर आपने वो सेक्शन डिफाइन करना है, एक रो के अंदर मल्टीपल सेक्शन डिफाइन करना है तो उस केस में आप रो लगाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक हाँ, मतलब लगा सकते हो ऐसा, बस चीजें कंपेटेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा कि जहां आप लगा रहे हो जेन्युइनली उस पे कुछ लगाने का रीजन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि मैं यहाँ पे कॉलम डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, और मुझे एक ही रो में कॉलम चाहिए, है ना, या मैं सर्कल्स बना रहा हूँ और सर्कल्स भी मल्टीपल सर्कल्स चाहिए, वो भी एक ही रो में चाहिए, तो फिर उस केस में अपन वहां पे रो लगा के काम करेंगे, है ना? ठीक है, अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो मैंने इसे सेव एज किया। अपन आते हैं एग्जाम्पल टू पर, है ना? ध्यान से देखना इधर, आप सभी ने नेव बार बनाया होगा, नेव बार आप सभी ने बनाया, राइट? ठीक है, अब अगर आपने नेव बार बनाया है तो नेव बार के लिए आप क्या लिखते थे? यूएल। यूएल के अंदर क्या लिखते थे? एल आई। एल आई के अंदर क्या लिखते थे? एंकर, है ना?
है। अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर होम, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिखा, और यहाँ पर आकर मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस सर्विसेज, मैंने कितना लिखा यहाँ पे फीडबैक राइट, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस सर्विसेज और फीडबैक राइट। अभी मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसे सेव किया, अब आप देखिए यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल टू, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है होम अबाउट कॉन्टेक्ट सर्विसेज फीडबैक, है ना, ये बस आपको ये ऐसा दिख रहा है। CSS में इसके लिए आपने क्या किया था, तो CSS में इसके लिए आप वो एक्सटर्नल CSS पर गए थे, फिर वहां जाकर आपने लिखा था नेव, है ना, नेव के अंदर UL, UL के अंदर लिस्ट स्टाइल, फिर उसको क्या करा था आपने नन, नेव नेव के अंदर UL, UL के अंदर LI, LI के अंदर एंकर, फिर उसके बाद में क्या करा था आपने टेक्स्ट डेकोरेशन नन, है ना, डिस्प्ले इन लाइन, है ना, फिर मार्जिन लेफ्ट, और ये सारी चीजें आपने उस पर लगाई थी राइट। अब या तो आप वैसा कुछ कर लो, है ना, कि वो सारी चीजें अगर आपको आती है तो आप वो यूज करके आगे बढ़ जाओ, और अगर वो टफ लगता है तो फिर आपको करना कुछ नहीं है, आप बस आप यहाँ पर आए क्लास पर, आपने लिखा यहाँ पर नेव्स, है ना, क्या आपने लिखा नेव, मैंने लिखा सेव, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखो ये ऐसा कुछ दिखा, तो चेंजेस दिखे नेव लिखने पे, अभी देखो ये ऐसा दिख रहा है, अभी देखो ठीक है, सिर्फ नेव लिखने पर ऐसा हो गया। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने लिखा है नेव टैब्स, देखो एक लाइन में आ गया, अब देखो आप खुद सोचो कि यहाँ पे बस ये इतनी सी क्लास लिखने से, नेव नेव टैब्स लिखने से मेरे पास में को वो पूरा Horizontal manner में पूरा नेव बार मिल गया है, तो अब सोचे आप कि मैं क्यों वहां पर CSS लिखूंगा, दोनों अलग अलग क्लास है, नेव अपने आप में अलग क्लास है, नेव टैब्स अपने आप में अलग क्लास है, साथ में लिखने का पर्पस इतना है क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करती है ना, कि अगर आप नेव टैब्स लिखेंगे तो देखते हैं यहाँ पर ये शो करे या ना करे, लेकिन हाँ बहुत सी जगह ऐसा इफेक्ट तो देखने को मिलता है कि अगर आप ऐसे क्लास ना लिखे तो प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं करता है। मैंने रिफ्रेश किया तो देखो ये कैसा हो गया, सिर्फ नेव लिखा था, नेव लिखा था तो भी काम नहीं हुआ, सिर्फ नेव टैब लिखा तो भी काम नहीं हुआ, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और मैं फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन आते हैं यहाँ पर, आप एक काम करें यहाँ पर नेव नेव टैब लिखा था, मैं यहाँ लिखता हूँ JUSTIFIED justified, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा कुछ कर लेंगे राइट, है ना, तो आप अगर यहाँ पर पूरा एरिया कवर अप करना चाहते हैं और सिर्फ उतनी ही फील्ड के साथ कवर अप करना चाहते हैं तो यहाँ पर फील्ड्स मैंने लिखा, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको आउटपुट दिख रहा है, तो आउटपुट के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आउटपुट के केस में अपन आते हैं यहाँ पर और ये फाइल को अपन देखते हैं यहाँ पर जैसे कि आउटपुट मिलेगा, एक सेकेंड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसी पे खोल लेते हैं, यहाँ पे मैंने करा दिया 3 नहीं 2 था, ठीक अपन यहाँ पर है, ये आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ज्यादा क्लियर है सभी को। पहले मैं बात की, अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, अब ये तो मैंने आपको नेव फील्ड्स बताया है ना, वहीं पर अगर आप यहाँ पे नेव टैब्स, और अब आप ऐसा भी लिखते हैं अगर नेव जस्टिफाइड तो कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा क्या, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर है ना, तो आप देखो ये ऐसा मिला। अब इसमें एक चीज नोटिस करी आपने कि इसके पहले जब नेव जस्टिफाइड लिखा था तो एक्टिव नाम की क्लास नहीं चली थी, लेकिन जब नेव टैब्स के साथ में आपने लिखा है तो एक्टिव नाम की क्लास आपकी यहाँ पर चली है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कब कौन सी क्लास चल रही है कब नहीं चल रही है, तो उसके लिए क्या लिखना है और क्या नहीं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने नेव टैब्स के साथ में नेव जस्टिफाइड लिखा है, तो आपको ये ऐसा एक्टिव के केस में ऐसा देखने को मिल रहा,
वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा तो नैव टैब्स के साथ में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो वहां पे आप लिखेंगे नैव नैव स्ट्रैक। अपन यहाँ पर आए आप देखेंगे तो नैव स्ट्रैक में ये ऐसा चलेगा, स्ट्रैक में ये स्ट्रैक की तरह चलेगा, क्लियर है, स्ट्रैक में ये ऐसा चलेगा, ठीक है, एक्टिव का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नैव टैब्स, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने एक डिव लिखा, डिव के अंदर मैंने एक क्लास लिखी और क्लास में मैंने क्या लिखा यहाँ पे, जंबोट्रॉन, ठीक है, मैंने इसे सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखो ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। अभी जंबोट्रॉन लिखने से क्या होगा, ये कितना स्पेसिफिक एरिया बाय डिफॉल्ट इतनी हाइट का आपको मिल जाता है। अब आप करेंगे क्या, तब आप यहाँ पर आएंगे, अब इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट में अब आपको लिखना क्या है, तो ये आपने अबाउट अस लिखा हुआ है ना, है ना, तो अपन अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर सिंपली लिखेंगे H1, और H1 में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अबाउट अस, राइट, मैंने ऐसा लिख दिया। और अबाउट अस के केस में अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अभी तो इनिशियली अगर अपन बात करें तो मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, स्टाइल लगाकर इसका कलर लिख देता हूँ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, डॉट द ब्लू, राइट। और उसके अलावा अपन क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया, और पैराग्राफ में मैंने कितना लिख लिया लॉरम, और लॉरम में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 50, मैंने इसे सेव किया, तो आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आपको ऐसा देखने को मिल रहा है ना। अब अगर अपन बात करें कि ऐसा देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर करने की रिक्वायरमेंट है। अब कैसे आप करोगे प्रॉपर, तो एक काम करते हैं, ये हेडिंग बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, तो मैं इसको H2 करके देखता हूँ, है ना, मे बी वो थोड़ा सा प्रॉपर दिखे। और दूसरी चीज कि अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है स्टाइल, और स्टाइल की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर पैडिंग, ठीक है। और पैडिंग की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, या पैडिंग की जगह अगर मैं ऐसा बोलूँ कि पहले तो आप इसको देखो रन करके, ये अबाउट अस थोड़ा सा छोटा हो गया। और अब इसके अलावा अगर अपन देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा है कंटेनर फ्लूइड, तो क्या ये चलेगा क्या, अपन आते हैं यहाँ पे, अब देखो कंटेनर फ्लूइड से ये ऐसा हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्लियर है। और वहीं अगर अपन बात करें कॉन्टेक्ट अस में, तो कॉन्टेक्ट अस वाला खुल जाएगा, सर्विस पे सर्विसेज वाला खुल जाएगा, फीडबैक पे फीडबैक वाला खुल जाएगा, है ना। आप यहाँ पर इसकी विड्थ को कम करेंगे अगर, वो बाय डिफॉल्ट उसकी ही सेटिंग है, मतलब उसमें जितना दिख रखा है वो उतना ही दिखेगा। आपको चेंज करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली फिर डिजाइन करना रहेगा उसको, ठीक है। अब आप एक चीज इसमें नोटिस करेंगे कि ये तो चलो ठीक है, आपको ये ऐसा दिख रहा था, है ना, आप जैसे इसकी विड्थ कम करेंगे तो जो कंटेंट था ये ऐसा हो गया, मतलब यहाँ पर ये कंटेंट नीचे वाली लाइन में आ गया और ये ऐसा हुआ। लेकिन मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर हमबर्गर आइकन आ जाए और उस पर क्लिक करूँ तो फिर वो ड्रॉप डाउन में खुले, क्योंकि ये सही थोड़ी तरीका है कि अगर विड्थ करने पर वो सारा कंटेंट ऐसा आ गया, तो फिर उसके लिए भी आपके पास में क्लासेस है, वो क्लासेस कैसे क्या इंप्लीमेंट होगी वो अपन देखेंगे, ठीक है। बट अभी तो आपको जो नैव और नैव टैब्स से जो मिल रहा है वो तो इतना ही मिल रहा है ना, और उसके बाद तो ये जो नीचे वाला कंटेंट है ये तो है ही सही आपके पास में, तो यहाँ पर ऐसा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत है। फिर अगर बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है ना, ऐसा लिखने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो ऐसा लिखने के बाद में अपन आते हैं वापस यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल पे, तो चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3। अब अगर अपन बात करें तो मैंने भी आपको क्या बताया, मैंने भी सबसे पहले तो इनिशियल लेवल पर आपको कंटेनर वाला कंसेप्ट बताया, कंटेनर के बाद में फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने नैव बार बताया और जंबोट्रॉन बताया, है ना। फिर उसके बाद में अब जो अपन देखने वाले हैं ये नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, और ये एग्जांपल है आपके ग्लाइफिकॉन्स का, राइट। अब अगर अपन बात करिए ग्लाइफिकॉन्स मतलब क्या, है ना, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा सिंपली स्पेन, और स्पेन के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्लास, क्लास में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ग्लाइफिकॉन, ग्लाइफिकॉन में आपने क्या लिखा, तो ग्लाइफिकॉन में आपने लिखा सबसे पहले यहाँ पर यूजर, आपने उसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए और आपने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर अपन आए, अब यूजर के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर पिक्चर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे मैप मार्कर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बैन सर्कल, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है थम्स अप, मैंने यहाँ पे लिखा है थम्स डाउन, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब एरो अप, मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे एरो डाउन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एरो
लेफ्ट, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एरो राइट, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे अपलोड, ठीक है। अपलोड क्या होता है, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पर KNIGHT नाइट। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे फोन, ठीक है ना। तो फोन के बाद में अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो फोन के बाद में फिर मैंने लिखा है यहाँ पर टैग, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है टैग्स। फिर अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है हार्ट, ठीक है। हार्ट के बाद अपन क्या लिखेंगे, HERT हार्ट MT, ठीक है। आपने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप देखें तो और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, है ना, कैमरा मिलेगा, है ना। आप यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, कैमरा, ठीक है। कैमरा के बाद अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो कैलेंडर, ठीक है। अपन ने ऐसा कुछ लिखा, देखते अपन यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए और यहाँ आकर अपन इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे क्या मिलेगा और कैसा मिलेगा। आप देखेंगे आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में क्या था, यूजर था, फिर पिक्चर, मैप मार्कर, बैंड सर्कल, थम्स अप, थम्स डाउन, एरो अप, एरो डाउन, एरो लेफ्ट, एरो राइट, अपलोड, नाइट, फोन, टैग, टैक्स, हार्ट, हार्ट एम्प्टी, कैमरा और कैलेंडर, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा इसमें और क्या कर सकते हैं अपन, तो मैंने बोला ये जो यूजर दे के रखा है मुझे इसकी, या फिर और भी जो लाइक आइकॉन्स दे के रखे हैं इनकी साइज को इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टाइल, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में मैंने कितना कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया 30px। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी साइज बड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मैप मार्कर है ना, अब आप ऐसा बोले कि इसका कलर आपको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल में आप क्या करेंगे यहाँ पे, आपने यहाँ पे लिख दिया है कलर, कलर में आपने लिख दिया है यहाँ पे रेड। अपन आते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, थम्स अप, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा है, तो आपने यहाँ पे कर दिया है ग्रीन, ठीक है। आप वहीं पर आकर क्या करेंगे, थम्स डाउन, आपने यहाँ पे क्या कर दिया है रेड, ठीक है। पर अगर अपन बात करें इसके अलावा, ये हार्ट भी क्या रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे कर दिया है क्या, पर्पल, राइट। यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो ये फोन है, नाइट, अपलोड, ये सब कुछ आपको देके रखा हुआ है, आप जिसका कलर चेंज करना चाहे वो कलर आप चेंज कर सकते हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब डिपेंड करेगा आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, है ना, आप क्रिएटिविटी के ऊपर मतलब कैसे, तो देखते हैं अपन यहाँ पर क्या और कैसे। ये समझ में आया ना यहाँ तक, अपने करा क्या, अब ये तो मैंने आपको कुछ ग्लाइफिकॉन्स बताए, है ना, कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे ग्लाइफिकॉन्स आपके पास में होते हैं, कैसे, तो आप देखें यहाँ पर अपन आ जाते हैं यहाँ पर वापस से, और यहाँ आने के बाद में आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है गेटिंग स्टार्टेड विथ बूटस्ट्रैप, राइट, 3.3.7। अपन यहाँ पर है, अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपके पास में बहुत सारे अवेलेबल ग्लाइफिकॉन्स है, आप कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट्स पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे इतने सारे ग्लाइफिकॉन्स आपको देखकर यहाँ पे रखे हुए हैं, है ना, और ये ग्लाइफिकॉन्स के नीचे नाम देके रखे हुए हैं, आप जो ग्लाइफिकॉन लगाना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे देखिए और आप लगा सकते हैं, क्लियर है। अब लेकिन इसमें एक कंसर्न ये होगा कि सर चलो ठीक है, ये तो अपने को समझ में आ गया कि इतने ग्लाइफिकॉन्स है अवेलेबल, और इतने अवेलेबल ग्लाइफिकॉन्स मैंने लगा दिए, लेकिन अब अगर मुझे कुछ और ग्लाइफिकॉन्स चाहिए जो इसके अलावा है, तो उसके इसमें अपन करेंगे क्या, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि जितने भी ऐसे आइकन्स होते हैं ग्लाइफिकॉन्स होते हैं वो बस यही है, इसके अलावा एक भी बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है, आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपके पास में बहुत सारे है ना, आप बोल सकते हो कि थाउजेंड्स बोल सकते हो, थाउजेंड्स इन नंबर में आपके पास में क्या होते हैं यहाँ पर आइकन्स होते हैं, तब वो कैसे आप लगाएंगे, तो फिर उस केस में ऐसा होता है कि ये जो आइकन्स होते हैं तो इनको थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, जैसे बोलते हैं फाफा आइकन, फॉन्ट ऑसम आइकन, है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको लिंक लगाना पड़ती है, आप लिंक लगाते हैं और लिंक लगाने के बाद में आप उन आइकन्स की क्लास लगा देते हैं, तो उससे आपको वो आइकन मिल जाता है। तब क्या और कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पे, लिंक आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कहाँ से ढूंढते हो, कैसे लगाते हो, मुझे लिंक पता है कि इस साइट पर से लिंक मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्टली वही साइट लिख कर उसी पर से लिंक कॉपी करके लगा रहा हूँ, बाकी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको सेम लिंक मल्टीपल प्लेसेस मल्टीपल साइट से भी मिल जाएगी। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पर फॉन्ट ऑसम, ठीक है, CDN, ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर आए फॉन्ट ऑसम आइकन्स, ठीक है,
आप देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आइकन्स, और उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये लिंक मिल रही है आपको यहाँ पे, राइट। तो अपने काम करते हैं, इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसे यहाँ पे क्या किया है, इस लिंक को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अपन अपने एग्जाम्पल पर आते हैं, और एग्जाम्पल पर आने के बाद में मैंने उस लिंक को यहाँ पर अटैच कर दिया, राइट। अब मैं करूँगा क्या, तो ये दो लिंक आ गई। अब एक याद रखना है कि इंटरनेट होगा तो ही ये लिंक काम करेगी, अदरवाइज इसकी रिलेटेड जो क्लास है वो सपोर्ट नहीं करेगी। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ध्यान से, आप देखो ये यहाँ पर ये सारे आइकन्स आपको देख कर रखे हुए। अब आपको ये एम्बुलेंस लगाना है, मैंने क्लिक किया। अब एम्बुलेंस के लिए ऐसा आपको देख रखा हुआ ये क्लास, क्लिक हियर टू कॉपी एचटीएमएल, मैंने ऐसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, कुछ और अगर आपको देखना है तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एप्पल देख रखा हुआ है, आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपको ये दिख रहा है, आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, राइट। अब अपन इसको सेव कर दे, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल पे, तो आप देखेंगे जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये तीनों चीजें यहाँ पर आ गई, क्लियर है यहाँ तक, है ना। चीजें भी आप लोगों को क्लियर होंगी कि आपको करना क्या है, लगाना कैसे क्या है ना। बस ये याद रखना है, इंटरनेट होना मैंडेटरी है, इंटरनेट नहीं होगा तो ये क्लास सपोर्ट नहीं करेगी, आपके आइकन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डाउनलोड करना चाहते हो आप तो आप कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से क्या करना रहेगा, अपन आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको ये जो लिंक दिख रही है ना ये वाली, तो आप एक काम करो, यहाँ पर इस लिंक को मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया, है ना। अब इसमें से यहाँ पर एक काम करो कि ये जो HTTP वाला जो पूरा पाथ है, इस पूरे पाथ को आप यहाँ पे रखो और आप करो एंटर। एंटर करने पर आपको ये मिलेगा, मतलब आपने कुछ नहीं करा, ये जो लिंक है ना वो HTTP वाला जो डबल कोट्स में वहाँ पे जो लिखा हुआ था, तो वो डबल कोट्स वाला वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि ये आपको ये मिल गया। तो आप क्या करो, इसको यहाँ पर कॉपी कर लो और उधर सेव कर दो, या इन शॉर्ट डायरेक्टली आप सेव कर दो कंट्रोल एस, ठीक है। तो ये आपका ऑफलाइन मोड पर आपकी स्टाइल शीट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, और ऑफलाइन मोड पर सेव हो जाएगी तो फिर उसके इसमें आपको इंटरनेट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। क्या हाँ ठीक है, फाफा वाली इतना ठीक है ना। बट ये लिंक सपोर्ट कर रहा था वो आपका फॉन्ट ऑसम, है ना, फॉन्ट ऑसम का F और A, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो हाँ ठीक है, अब 3 क्यों डाउनलोड किया है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इनिशियली 5 पढ़ने के पहले 4 और 4 पढ़ने के पहले 3 आना चाहिए, राइट। जस्ट लाइक जॉब के लिए आपको सिर्फ 10th और 12th की ही मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होती है, बट स्टिल हम सब नर्सरी से स्टार्ट करते हैं, हाँ कॉलेज में भी, बट स्टिल अपन नर्सरी से स्टार्ट करते हैं, मतलब बेसिक के लिए, है ना। तो आप सिंपली सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसका लिखने का तरीका, बेसिक एग्जांपल्स वगैरह जितने भी है ना, ये सब देखकर आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी, है ना। 4 और 5 में भी यही सारी चीजें हैं, मतलब अलग कुछ नहीं है, बस ये है कि क्लासेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे अब आपने देखा था वो सक्सेस देखा था, नहीं अभी नहीं देखा, है ना, सक्सेस वार्निंग डेंजर ये ऐसे आपने क्लासेस है वो अभी देखी नहीं है, अपन देखेंगे अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड क्लासेस है, 4 में कुछ एडिशनल क्लासेस आ गई, 5 में और ज्यादा एडिशनल क्लासेस आ गई। हाँ तो देखिए अभी अपन 3 वाला ही कर रहे हैं, अभी 5 भी डाउनलोड करेंगे तो कैसे चलेगी क्लासेस, कैसे चलेगी, आप 11th 12th में जाके ABCD कहाँ पढ़ते हैं, उसकी क्लासेस अलग है ना, क्लासेस के नाम ही चेंज हो जाएंगे ना, नहीं चलेगी ना। डिपेंड करेगा कि जो होगी वो चलेगी, जो नहीं होगी वो नहीं चलेगी। जैसे पैडिंग के लिए यहाँ कुछ और क्लास होगी या होगी ही नहीं, लेकिन वहां पे पैडिंग लिखने के लिए आप P लिखेंगे, यहाँ पर आपको आउटलाइन करने की कोई क्लास नहीं मिलती है, लेकिन वहां आपको आउटलाइन की क्लास मिलेगी। यहाँ आपको सेकेंडरी लाइट डार्क करके ऐसे कोई कलर नहीं मिलते, वहां पर आपको मिलेंगे। तो अब वहां मिलेंगे तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे मिले, है ना, और यहाँ की जो क्लासेस है जरूरी नहीं कि उसी नाम से वहां पर भी वो चले। बट इनिशियली एक बेसिक लेवल की चीजें आप यहाँ पे स्टार्ट इसलिए करते हैं कि इससे आपको
समझ में आता है। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू 4 और 5, है ना। जब आप 4 और 5 का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो आप डायरेक्टली देखते और पढ़ते और अभी जो आप पढ़कर आए हो तो उसमें डिस्टिंग्विश करके आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। ठीक है, रही बात अपना HTML 5 की, 5 से क्यों स्टार्ट किया, तो मैंने 5 से स्टार्ट करा ही नहीं था, मैंने नॉर्मल HTML और HTML 5 बताया। जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सिर्फ 5 के टैग नहीं है, ये जो लेगेसी HTML है वहाँ से चलते हुए आ रहा है ना। आपने स्पैन डिव जो यूज करा होगा, है ना, वैसे तो HTML में अपन ने इतना ज्यादा कुछ यूज करा नहीं था, है ना, तो ये सब लेगेसी का जो चलते हुए आ रहा था, मतलब विरासत में मिली हुई जो चीजें थी वो सब वही अपन यहाँ पे यूज कर रहे थे, है ना। जिसमें जितने भी अपने टैग्स यूज कर रहे थे, आपका पैराग्राफ हो गया, आपका एंकर हो गया, आपका स्पैन हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बिग, स्मॉल, है ना। तो उसमें ऐसा है कि वो HTML के ही थे, अब हो सकता है कोई 3 में आया हो, 2 में आया हो, कोई 4 में आया हो, बाकी 5 में जो था वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें, ये तो इनिशियल लेवल पर आपने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखे यहाँ पे, है ना। अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी मैटर करती है, है ना, कि अभी आपने ग्लाइफिकॉन्स देखे, है ना। अब ये ग्लाइफिकॉन्स जो आपने देखे, तो अपन आते हैं वापस से अपने इसके पहले वाला एग्जाम्पल पे, और इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने अब करा क्या, तो यहाँ पर ये जो होम देके रखा हुआ है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने क्लास लिखी है, और क्लास में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ग्लाइफिकॉन, हाँ HREF में अपन लगा कर देखते हैं, अगर यहाँ पे क्लास नहीं सपोर्ट करेगी तो फिर लिस्ट में लगाएंगे, है ना, क्योंकि मुझे जो क्लास लगानी है वो जनरली सिर्फ होम के लिए लगानी है ना। मतलब होम के लिए भी क्या लगानी है, मुझे तो वहां पे सिर्फ आइकन चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा ग्लाइफिकॉन, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर होम, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे इसे अपन लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 2, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये होम क्या आ गया, आपको दिख रहा है वैसा, है ना। अब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, थोड़ी सी आप अगर स्पेस दे देंगे तो वहां पर स्पेस आ जाएगी, थोड़ी सी आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिल रही है ना। अबाउट अस में अबाउट अस आ जाएगा, कॉन्टेक्ट में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करके ये जो कॉन्टेक्ट अस देके रखा हुआ है यहाँ पर, मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है फोन, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर यहाँ पे फीडबैक की बात करें, तो फीडबैक के केस में अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो फीडबैक के केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फॉर्म टाइप का आप देख सकते हैं यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पे, ये थोड़े से आइकन्स आपको सर्च करना पड़ेंगे, आप इसमें से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे ना। ये आप ऐसा लिख सकते हो, ये अलाइन, या फिर ठीक है, वो लिस्ट भी आप लगा सकते हो। उसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो कमेंट आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अपन लिखे यहाँ पे कमेंट, राइट। बनाते हैं यहाँ पर, अब कैसे क्या दिखेगा, तो मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे कॉन्टेक्ट अस में ऐसा दिख रहा है, फीडबैक में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, आपने इसे रिफ्रेश किया तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसको कैसे क्या लगाना चाहते हैं, है ना, कि कॉन्टेक्ट अस पे लगा दिया आपने, फीडबैक पे लगा दिया, बाकी के भी जो आइकन है आप देखकर उस पर लगाएंगे, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन चलते हैं वापस से कहाँ पे, अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे सेव एज किया, और मैंने लिखा है एग्जांपल नंबर 4, राइट। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो बॉडी के अंदर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है बटन, ठीक है, मैंने बटन टैग लिखा और मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्या, बटन। अब इसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा ये बटन बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट क्लास BTN, आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से दिखा, कुछ डिफरेंस दिखा इसमें, वहाँ पर आपने BTN लगाया तो BTN अलग ही दिख रहा है, और नॉर्मल बटन आपका अलग ही दिख रहा है, समझ में।
फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा BTN, BTN सक्सेस। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो BTN, BTN सक्सेस, सक्सेस के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, DNGR डेंजर, डेंजर के बाद में आप क्या लिखेंगे, वार्निंग, वार्निंग के बाद में प्राइमरी, प्राइमरी के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इन्फो, यहाँ पर फिर आप क्या लिखेंगे डिफॉल्ट, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फिर ब्लॉक, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसे सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया, आप देखो ये ऐसा कुछ आपको मिला, आपने सक्सेस लिखा था, डेंजर लिखा था, वार्निंग लिखा था, प्राइमरी लिखा था, इन्फो लिखा था, डिफॉल्ट लिखा था और ब्लॉक लिखा था। तो ब्लॉक बोले तो उसका पेरेंट की जितनी विड्थ होगी उस पे आ जाएगा, अगर पेरेंट अगर कम विड्थ का होता है तो वो कम विड्थ का आएगा, ज्यादा विड्थ का होगा तो वो ज्यादा विड्थ का दिखेगा, क्लियर है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, ध्यान से देखना, यहाँ आने के बाद में मैंने करा क्या है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर करके आ रहा हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है BTN, अब BTN के अंदर अपन करेंगे क्या, तो BTN के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है XS मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, SM मतलब स्मॉल, MD मतलब मीडियम और LG मतलब लार्ज। आप यहाँ पर आए, आपने रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको साइज देखने को मिलेगी, है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, अब ये तो सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी, अब इसके बारे में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में डिपेंड करेगा आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, क्या क्या मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, होम मैंने लिखा है यहाँ पर सर्च, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है फीडबैक, और मैंने अभी क्या लिखा है PRO DUCTS products, right? अपन अभी यहाँ पर आए, अभी यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे ग्लाइफिकॉन, और अभी यहाँ पे क्या लिख लेंगे ग्लाइफिकॉन होम, होम कहीं है क्या, आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, राइट, यहाँ पर आकर आपने क्या लिख दिया सर्च, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, TAGS टैग्स, आप देखिए आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, है ना, होम, सर्च, फीडबैक और प्रोडक्ट्स, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो, क्या आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है होम आपने ये हटा दिया, आपने जो लिखा है सर्च हटा दिया, आपने फीडबैक लिखा है हटा दिया, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है हटा दिया, आपने इसे सेव किया, अपन यहाँ पर आए, आप देखेंगे ये कुछ ऐसे दिखेगा, आप सिर्फ ऐसा भी लगाना चाहते हैं तो ऐसा भी लग सकता है, ठीक है। बट इसमें देखो ये अलग अलग है, होम पे क्लिक करोगे तो उसको ये सर्च से कोई मतलब नहीं है, इस पे क्लिक करोगे तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर अब मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ मतलब हो तो उस केस में अपन क्या करेंगे, फिर से देखना, इधर मैंने लिखा है डेव, डेव में मैंने लिखा यहाँ पर क्लास, क्लास में क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैंने लिखा BTN, और मैं क्या लिखूंगा BTN ग्रुप, है ना, BTN, BTN ग्रुप, मैंने यहाँ पर इसको क्या दिया यहाँ पर क्या, पेस्ट, राइट। मैंने यहाँ पर आए, तो आप देखेंगे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो अलग दिख रहा है ना, वो कैसा अलग अलग दिख रहा है, और एक साथ में दिख रहा है, अब ये साथ में दिख रहा है मतलब कैसा, कि इस पे आप अगर क्लिक कर रहे हो देखो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, और पूरे में से वो एक अकेला वो आ रहा है, क्लियर यहाँ तक। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर आकर आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया DISABLED डिसेबल्ड, ये देखो ये काम करेगा क्या, ये देखो ये डिसेबल्ड, बस अपन ने वो डिसेबल्ड लगा दिया यहाँ पर, जैसे वो होता है ना एट्रीब्यूट रीड ऑनली होता है, बस मैंने डिसेबल्ड लगा दिया, तो डिसेबल यहाँ पर आ गया। अब अगर आप बोले कि सर अगर वो नॉर्मल उसमें मैं लगाता तो नॉर्मल में भी चल जाता है क्या, आप यहाँ पे भी लगा कर देख लो, आप यहाँ पर आए, आपने DISABLED डिसेबल्ड है ना, तो नॉर्मल पे भी चल रहा है ना, बस ये है कि वो क्लिक करने पर कुछ हो नहीं रहा है।
है ना, बाकी वो नॉर्मल पे भी लग रहा है ना। यहाँ पे वो BTN की वजह से वो वाला आपको सर्कल मिल रहा है यहाँ पे, या आपने यहाँ पे क्लास BTN लगाई ना, जिसकी वजह से वो डिसेबल पे आपको वो बैन सर्कल मिल रहा है ना। अदरवाइज वो पहले वाले पे आपने डिसेबल लिखा है तो वो कुछ हो नहीं रहा है ना। आप ये देखो, इसको हटा कर देख लो, आपने उसको हटाया, सेव किया, आपने यहाँ पर उसको रिफ्रेश किया, तो ये देखो दिख रहा है ना, ये ऐसा डिसेबल लगाने पर ऐसा नहीं हो रहा था। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसी चीज को, अगर आप और आगे बढ़ाना चाहो तो आप वापस से आओ आपके सेकंड एग्जांपल पे, और सेकंड एग्जांपल पर आने के बाद में अपन अगर बात करें कि अभी यहाँ पर अपन और क्या कर सकते थे, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा BTN बटन, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, क्लास, मैंने लिखा है BTN सक्सेस, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, गेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा फिर से क्या बटन, यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्लास, क्लास में मैंने क्या लिखा है, BTN DANGER डेंजर, अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो मैंने लिखा है गेट कोड। आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में वापस से वो टू वाले को चला कर देखो, आपने यहाँ पे करा है टू, आप देखोगे तो आपको ऐसे कुछ देखने को यहाँ पर, क्लियर है? ठीक, तो ऐसा कुछ देकर आपको यहाँ पर रखा हुआ, क्लियर है क्या आता सभी को? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया है ना। अब इसके बाद में तो ये जो फीडबैक लिखा हुआ है, मैं इसमें यहाँ पर और कुछ कर सकता हूँ क्या? तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ से देखना ये जो फीडबैक देकर रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा है स्पेन। ठीक है, और स्पेन में मैंने कितना लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा 56, और 56 यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ गया। अब मैंने काम करते हैं, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है क्लास, और क्लास में मैंने लिखा है BADGE बैच, मैंने इसको सेव किया, देखो ये ऐसा लिखा हुआ आ गया है ना। अब लिखा है यहाँ पे क्या, क्लास बैच BADGE, तो ये यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब इसको अगर आपको थोड़ा सा और प्रॉपर मैनर में अगर दिखाना है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो क्या, जैसे आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, बटन आपने लिख दिया ENQUIRY इंक्वायरी है ना, मैंने ऐसा लिख दिया है पेंडिंग इंक्वायरी, और पेंडिंग इंक्वायरी केस में मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास, क्लास मैंने लिखा है यहाँ पे क्या BTN, मैंने लिखा है BTN डेंजर। ठीक है, मैंने डेंजर तो ऑलरेडी अपन ने लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या प्राइमरी। ठीक है, और अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा यहाँ पर स्पेन, स्पेन में अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया 102, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है क्लास, और क्लास में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया BADGE बैच, आपको ऐसा समझ में आया क्या? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, ये से डिव में आते, अब यहाँ आने के बाद फिर से देखना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे UL है ना, UL में मैंने क्या लिखा है क्लास, क्लास में मैंने क्या लिखा है PAGER पेजर। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है लिस्ट, लिस्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है एंकर, एंकर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा है यहाँ पर PREVIOUS प्रीवियस, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा कुछ। तो मैं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप एक काम ऐसा कर सकते हो, M% #, मैंने लिखा लेफ्ट एरो। ठीक है, मैंने इसे क्या करा यहाँ पे कॉपी, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, मैंने इसको पेस्ट किया, और मैंने करा यहाँ पे राइट एरो। ठीक है, कुछ गड़बड़ करी क्या? ठीक है, अगर अपन बात करें इसके अलावा, इसके अलावा आप एक काम और ये कर सकते हो कि आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे लिख लिया है क्लास प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पे क्लास प्रीवियस इधर नहीं चल रही है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास आपको इधर उधर लगाना, तो आप इधर उधर भी कर सकते हो, ये ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं
ये ऐसा कुछ आपको देखकर रखा हुआ है। अगर अपन बात करिए अबाउट अस के ऊपर भी अगर कुछ लगाने की कोशिश करें तो लगेगा क्या? तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है क्लास, क्लास में मैंने क्या लिखा, LABL लेबल, लिखा LABL लेबल, और मैंने लिख लिया यहाँ पे PRIMARY प्राइमरी। ठीक, अभी देखो ये ऐसा कुछ हो गया है ना, अभी यहाँ पे प्राइमरी प्राइमरी दोनों ही सेट हो गए। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिखा DANGR डेंजर। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है ना, लेबल में वैसा कलर हो गया है ना। इसमें अगर अपन बात करें ये तो मैंने ऐसा लिख दिया, लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर मैं इस पर लिखता हूँ स्पेन, ऐसा दिख रहा है। अब इसके अंदर अगर अपन यहाँ पर इसको H1 में लिखे या इसको H2 में लिखे तो चलेगा क्या? ये वैसा नहीं हो रहा, ये बस लेबल मतलब वो उतने पे ही जाएगा आपका। इसको यहाँ पर आए अगर H1 पे करें अपन, ठीक है, इसको सेव किया, ये देखो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इसको H2 करें आप, H2 पे बहुत छोटा ही हो रहा है वो। ठीक है, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है वो। वो अपन जमोट्रॉन वगैरह या ग्लासेस वगैरह लगा रहे हैं, मे भी उसी वजह से हो रहा हो। आप इसको ऐसे कट करें, आप अगर यहाँ पर आए और यहाँ पर आप इसको लगा कर देखें, यहाँ पर भी वो वैसे ही जा रहे हैं। वन पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो, अब वो वन पे भी चल नहीं रहे। ठीक, बट क्लास लेवल कैसे लगती है वो समझ में आया ना? ये वैसे आप कहीं लगाओगे नहीं, ऐसे बैकग्राउंड कलर ही सेट कर दोगे, बट इससे अगर आपको लगाना है तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, वो आपकी क्लासेस वगैरह कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रही होगी वहाँ पर, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अदरवाइज आप वहाँ पर लेबल आप लगाएंगे तो वो सब कुछ एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स फ्रेम किए हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपने क्लासेस को इम्प्लीमेंट किया है ना। जिसमें अगर मैं बात करूँ एक ब्रीफ में, अगर अपन देखें तो अपन ने कंटेनर क्लास देखी, कंटेनर फ्लूइड देखी, आपने रो देखा, फिर आपने यहाँ पे ग्लाइफिकॉन देखा, फिर आपने BTN देखा है ना, BTN से रिलेटेड सारी क्लासेस देखी, BTN XS SM MD LG है ना, फिर BTN BTN ब्लॉक वगैरह आपने देखा, जम्बोट्रॉन आपने देखा, यहाँ पर आपने पेजर नाम की क्लास देखी, प्रीवियस नेक्स्ट नाम की क्लास देखी। ये पेजर से ही वो वैसा लुक एंड फील दिख रहा है आपको। कौन से तीनों बटन? ये वाले तीनों बटन। अब ये तीनों बटन अगर आपको उधर करना है तो फिर यहाँ पर तो ऐसी कोई इनिशियल लेवल पर अभी क्लास नहीं है, है ना। सेंटर के केस में भी इनिशियली अभी तो कोई ऐसी क्लास नहीं है, है ना। फिर वो ये है कि आप यहाँ पे सेंटर लगा दें, या फिर आप फ्लोट लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट यूज करें, या फिर आप यहाँ पे फ्लेक्स लगा कर उसको यूज करें, है ना, या आप फ्लेक्स लगा कर वो चीज़ों को वैसा फ्रेम करें तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट अभी देकर रखा हुआ है, बाकी फिर चीज़ें कैसे क्या इंप्लीमेंट होगी तो अपन देखेंगे फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।